आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, यह है न्यूज टाइम। 25 अप्रैल को पीएम मोदी चंबल में भरेंगे हुंकार। ग्वालियर चंबल अंचल की 4 लोकसभा सीटों के लिए करेंगे प्रचार। तीसरे चरण में 7 मई को होगी वोटिंग। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदसौर में किया रोड शो। कहा, राहुल गांधी खुद डुबो रहे कांग्रेस को, पीएम मोदी को शेर बताकर की तारीफ। खजुराहो लोकसभा में छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने किया प्रचार। पन्ना में बोले, कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ बंधुआ मजदूर समझा, मोदी के लिए वोट की अपील। चुनावी घमासान के बीच रीवा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। केंद्र और प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, पीएम मोदी पर ये तो अभी ट्रेलर है वाले बयान पर कसा तंज। मुरैना में प्रचार कर रहे कांग्रेस प्रत्याशी के भाई पर बदमाशों ने की फायरिंग। सत्यपाल सिंह सिकरवार ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, बोले शांति से होने दे चुनाव। बिहार पीएससी पेपर लीक मामले में फरार 5 आरोपी उज्जैन से गिरफ्तार। बिहार पुलिस ने साइबर सेल की मदद से की लोकेशन ट्रेस, सभी आरोपी नालंदा के रहने वाले। चंबल के बीहड़ों की खाक छानने के 23 दिन बाद पकड़ी गई वीरा, ट्रैक्टरलाइज कर स्पेशल टीम ने किया रेस्क्यू। पुणे में छोड़ा गया वापस। मध्य प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम। 21 से 23 अप्रैल तक 19 जिलों में बारिश और ओले की चेतावनी। सूर्यदेव भी दिखाएंगे रौद्र रूप। शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया का धुआंधार प्रचार जारी। महिलाओं के साथ महारानी ने चूल्हे पर बनाई रोटियां, वीडियो वायरल। प्रदेश में हनुमान जयंती मनाने की जबरदस्त तैयारी। 23 अप्रैल को कई योग मिलाकर बन रहे शुभ संयोग। मंदिरों की साफ सफाई, साज सज्जा का काम जारी। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें। अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।